म्यूजिक बच्चों से लेकर बड़े सभी के दिलों की धड़कन है, और जब म्यूजिक किसी का जुनून बन जाए तो फिर क्या कहना। जी हाँ, आज हम आपको राजधानी के एक ऐसे युवा म्यूजिशियन से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में म्यूजिक की दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है, जिनका हाल ही में यूएस में एक म्यूजिक लॉन्च हुआ है जिसे बेहद पसंद किया गया है। इस युवा म्यूजिशियन से बात की हमारी सहयोगी माया वर्मा ने, और जाना कि पलाश झा ने कामयाबी की सीढ़ियां कैसे चढ़ी और भविष्य को लेकर पलाश क्या तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, हैथवे बीटीवी न्यूज में पलाश झा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इतनी छोटी सी उम्र में, 19 साल की उम्र में डीजे प्रोड्यूसर बन चुके हैं, और उसके पीछे उन्होंने क्या क्या परेशानियां झेली हैं, किन किन चीज़ों से गुजरे हैं, पेरेंट्स ने कितना उनका साथ दिया है स्टडीज़ में, और इसको कैसे उन्होंने मैनेज किया है, वो खुद ही अपनी ज़ुबानी हमको सारी चीज़ें बताएंगे। पलाश, बताइए कि आपने कैसी चीज़ों को, मतलब अपने तरीके से हैंडल किया, पेरेंट्स ने आपका कितना साथ दिया स्टडीज़ को, और आपने अपने प्रोफेशन को कितना टाइम दिया, या किस तरीके से अलग अलग पोजीशंस पे रखा, और कितने समय में आप उस चीज़ तक पहुँचे हैं। मैम, स्टार्टिंग में जैसे कि म्यूज़िक में मेरा स्टार्ट हुआ, तो बचपन से ही मतलब म्यूज़िक मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा। मम्मी भी बताती थी जब बचपन में, मतलब इतना याद नहीं है कि जब छोटा था तो है ना, यूटेंसिल्स, बर्तन और इन सब से खेलता था, बजाता था, तो फिर मॉम को उधर देखा, फिर उन्होंने मेरे को केसी और ये सब सिखाने को भेजा, फिर उसके बाद ऐसे ही इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर स्कूल में कॉन्गो और बोंगो बजाता था, फिर उसके बाद एक शो हुआ था स्कूल में ही, तो उसमें गिटारिस्ट, एक गिटारिस्ट को देख के अट्रैक्ट हो गया था। घर पे आके काफ़ी लड़ाई की, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इन लोग से बोला कि मेरे को गिटार सीखना है, सीखने दो। तो फिर भोपाल के वन ऑफ द बेस्ट ही लगते हैं मेरे को वो क्लासेस, कॉन्सर्ट हो, स्कूल ऑफ म्यूज़िक, तो वहाँ से मैंने अपने गिटार की दो कोर्सेज किए, एक इंटरनेशनल कोर्स किया, और वो सब ऐसे बढ़ता गया कि उनको मतलब पेरेंट्स को इंटरेस्ट देखा तो उन्होंने कर दिया। फिर धीरे धीरे फिर मैंने ऐसे ही म्यूज़िक प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, तो फिर उस समय तो इतना सपोर्ट नहीं था, घर वाले कहते थे कि ना पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर उसके बाद बढ़ता गया तो इनको इंटरेस्ट लगा, तो फिर भाई ने मेरे को बोला कि तू जा कोई ट्रेनिंग ले, वो ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में भी घर वालों को इंटरेस्ट दिखा, तो फिर पापा ने स्टूडियो बनाया, तो मतलब सिर्फ घर वालों की वजह से अभी है जो है। ओके, तो आप दर्शकों, आपने देखा कि पलाश बता रहे हैं कि उनके इन सब के पीछे, इन सारी कामयाबी के पीछे पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ है, और उसके बाद इन्होंने, अब इनकी कंपनी है एपिक सेंसेशन, उसके थ्रू इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और किस तरीके से अपने म्यूज़िक को लॉन्च कराया है यूएसए में, वो ये ही खुद बताएंगे। तो ये कंपनी एपिक सेंसेशन, बेसिकली नाम मैंने रखा हुआ था एपिक सेंसेशन, पता नहीं एक आध साल से मेरे अंदर ही था कि कुछ होगा तो ये एपिक सेंसेशन नाम से ही होगा। और ये कंपनी का जो आया वो मेरे ब्रदर से आया, क्योंकि भाई कहता था कि यार यदि तू स्टार्ट कर रहा है तो तुझे एकदम सॉलिड होके करना चाहिए, तो भाई ने उसका ट्रेडमार्क बनवाया, भाई ने सब कुछ, लोगो, इवन आप लोगो देखेंगे तो लोगो भी भाई ने डिज़ाइन करवाया। और फिर उसके बाद ऐसे ही मैं काम करते रहा, अपने साउंड क्लाउड से, अपने म्यूज़िक और यूट्यूब और ये सब से, म्यूज़िक अपने ट्विटर पर मैं काफ़ी करता था, क्योंकि ट्विटर मेरे को ज़्यादा पसंद है। तो फिर वहाँ से एक कंपनी ब्लैक केवियस म्यूजिक, जिनके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, उनका वो आया मेरे पास, मतलब मैं मैसेज करता हूँ, जो भी मेरे को फॉलो करता है तो मैं उनको मैसेज करता हूँ कि ये मेरा म्यूज़िक है, आप इसको सुन के देखिए। तो उनका फिर रिप्लाई आया कि वो बेसिकली हिप हॉप कम्युनिटी से हैं, तो उन्होंने बोला हमको दो बीट्स चाहिए। तो उस समय मेरा इंडस्ट्री अलग है, तो मैं हिप हॉप पर वर्क करता नहीं, बट फिर भी मैंने एक चांस लिया कि यार यदि कुछ हुआ तो। मैं उनको दो बीट्स दी, उनको बीट्स पसंद आई, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को एक वोकल दिया कि इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लो। तो फिर मतलब आप यदि उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे, सारे हिप हॉप से, और मेरा ही एक पहला ट्रैक है जो ईडीएम्स में आता है, उसमें मेरे हिप हॉप का भी टेस्ट दिया है, तो वो आप सारे मतलब प्लेटफॉर्म पे, iTunes, Amazon.com और जहाँ जहाँ भी वो रिलीज हुआ है वहाँ पे इट्स मी बाय कैन में आप कर सकते हैं, उसमें फीचरिंग आर्टिस्ट मैं हूँ।
ओके सो आपने इतनी जगह अपनी पहचान बना दी है, तो आपको ये म्यूजिक रिलीज रिलीज होने के बाद, लॉन्च होने के बाद वहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? किस तरीके का कॉन्फिडेंस या किस तरीके की एक्साइटमेंट आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक्साइटमेंट बहुत है, क्योंकि एक वो एक छोटी सी फीलिंग नहीं होती कि आपको किसी का काम आपको पसंद आ रहा है, मतलब अपना काम किसी को पसंद आ रहा है, तो मतलब वही था कि एक यूएस के बंदे को मेरा काम पसंद आया। और ये चीज़ बेसिकली मेरे इवन मेरे फ्रेंड्स और ये सब में भी नहीं है कि मतलब वो लोग इस टाइप का म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन वो ओकेजनली सुनते हैं। मेरा तो मतलब वो लोग पता नहीं अजीब ही है। तो फिर बहुत अच्छा लगा कि किसी और को पसंद आया। फिर एक वीडियो भी भेजा, जो कैन है जिनकी आवाज़ है उन्होंने एक वीडियो भी भेजा कि यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आया, और फिर है ना बता रहे हैं कि लोग डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब ये बहुत अलग ही सी फीलिंग है। अच्छा, तो आगे के लिए आपकी क्या सारी प्लानिंग्स है, बिल्कुल क्लियरली आप बताइए डिटेल्स में। प्लानिंग मतलब इस वे में किया है कि जैसे कि मेरा इंडस्ट्री है, तो इसमें मैं एक सोच रहा हूँ कि एक कंपनी है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ूँ जो कि एक इवेंट मैनेजिंग कंपनी हो, जो मतलब मेरे को ऐसे अकेले जा रहा हूँ, मतलब बीइंग एन आर्टिस्ट कहीं जा रहा हूँ, तो वो लोग मेरे को क्लब्स और ये सब वाले अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मेरे सोशल मीडिया और ये सब को देखकर। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई कंपनी में जुड़ूँ, जैसे कि बड़े बड़े नाम ले, यदि इंडिया के नंबर वन डीजे न्यूक्लिया, उन्होंने भी यही किया था कि वो एक कंपनी से एसोसिएटेड हुए जो उनके लिए शोज और ये सब ढूंढने लगे, और फिर वो पहले क्लब्स में प्ले करते, तो मैंने भी ट्राई किया है काफी जगह। ओके, तो आपको क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स इस चीज में आपको सपोर्ट करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, इतना कर रहे हैं, मतलब मेरा यही करियर है, वो भी जानते कि इसी में आगे बढ़ना है। और मतलब फाइनली यू हैव डिसाइड कि आपको अपने यही प्रोफेशन चूज करना है, इसी फील्ड में जाना है। और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है जो म्यूजिक। अच्छा, तो दर्शकों पलाश झा ने बताया कि उनके पेरेंट्स ने, उनके भाई का सबसे बड़ा हाथ है इस चीज़ को लीगली सारी चीज़ें करवाने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। किस उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो स्टडीज़ और म्यूज़िक को डिफरेंटली टाइम देते हैं, और किस तरीके से म्यूज़िक को उन्होंने अपना पैशन बनाया हुआ है, जिसमें पेरेंट्स ने उनको इतना सपोर्ट किया है कि वो आज इस कामयाबी पर है, इस मुकाम पर है कि उनका उनका म्यूज़िक लॉन्च हुआ है यूएसए में। तो हम और जानेंगे उनसे थोड़ा बहुत कि वो और कुछ भी क्या कहना चाहते हैं। एक सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये पता चली, जब मेरी बात हो रही थी यूएस जिनसे मैं, जो मेरे पब्लिशर है, तो उन्होंने मेरे को बताया जब फर्स्ट रिलीज़ हुआ था, तो उन्होंने उसके बाद एक और वो रखी चाह कि तुम एक और म्यूज़िक दो हमको। तो उसकी रीज़न ये था कि वो अपने रास्ते से जा रहे थे और उनको ये EDM चीज़ उनको पसंद आने लगी थी, तो एक गाड़ी ट्रक के पीछे EDM कुछ लिखा था, तो उन्होंने उनसे बात की। तो मतलब ये मेरा जो सॉन्ग है इट्स मी, ये अटलांटा के राइज FM में भी स्ट्रीम हो चुका है, तो मतलब ये वहाँ पे भी प्ले हो चुका है, तो ये भी बहुत अच्छी फीलिंग है। अच्छा, पेरेंट्स की क्या फीलिंग है उसके बाद जब आपका ये म्यूजिक लॉन्च हुआ था? म्यूजिक लॉन्च हुआ, मतलब यहाँ पे खतरनाक एक्साइटमेंट होती है घर पे, मतलब मुझसे ज्यादा एक्साइटेड पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि मेरे अंदर एक्साइटमेंट के साथ एक वो भी चीज रहती है, क्या पसंद आएगा नहीं आएगा, क्या हिट्स हो गए, मतलब मैं आगे की सोचने लगता हूँ। ये लोग तो उसी चीज को लेके इतना खुश हो जाते हैं कि मतलब बेस्ट डे हो जाता है। भोपाल शहर से ऐसी कई बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने अपना नाम देश विदेश में रोशन किया है, ठीक उसी तरह से 19 साल की पलाश झा ने अपना नाम रोशन किया है यूएसए में म्यूजिक लॉन्च करके।